पोटैटो मफिन्स के लिए हमने जो आलू लिए हैं ये हमने 6 लिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूंगी। बहुत ही यूनिक सी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। पोटैटो हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये ऐड कर लूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं हनी मस्टर्ड पेस्ट ये ऐड कर रही हूँ और इन सबको मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये मफिन ट्रे बनाई है, इसमें मैं ये पोटैटो जो है फिल कर दूंगी। अब ये इसमें हम फिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि हम इसमें और चीज़ें ऐड कर सकें, वो भी मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। पहले हम सब में पोटैटो इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने पोटैटो इस तरह करे थे और इसको इस तरह प्रेस कर लें स्पून से, और इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने ली है शिमला मिर्च जो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे, लास्ट में जो है गाजर ऐड करूंगी मैं। देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रही है। ये देखिए हमने सब वेजीज जो है इसमें डाल चुके थे, अब इसके ऊपर जो है लास्ट में मैं इसमें मोज़रेला चीज, आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दें। पूरी तरह हम इसको चीज से कवर कर देंगे। सारी हमारी चीज जो है हमने इस तरह ऊपर कवर कर दी है। अब इसमें एक हल्की सी एक देसी टच देने के लिए मैं चाट मसाला स्प्रिंकल, ये देखिए मैंने किया है और सब में स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा। ये चीज भी ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो कर लें, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसको बेक करने के लिए 5 मिनट के लिए रखूंगी क्योंकि हर चीज हमारी कुक है, तो सारी चीजें हमारी पकी हुई है तो इसलिए सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। मैं अच्छी तरह बेक हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं, देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है।
आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।